জান, জ্যোতিষী জান। আসসালামু আলাইকুম, গুড গার্ল। মজা, আসসালামু আলাইকুম। নেই, দূসরে হ্যান্ড সে করনা থা। আসসালামু আলাইকুম, গুড। मैं ना मुआजा की ट्रेनिंग कर रही हूँ। कल से मैं इसको ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि शेक हैंड करे। मुआजा अस्सलाम वालेकुम, मुआजा अस्सलाम वालेकुम, गुड, वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम, गुड गर्ल। मुआजा की ट्रेनिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे हाथ में रखो। अस्सलाम वालेकुम, गुड 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 गुड। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो आज का जो डे है, आज हम लोग करेंगे सारी मील प्रिपरेशन करेंगे नूर की बर्थडे की, क्योंकि सब घर में मेरे घर वाले आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो एक गेट टुगेदर, एक दावत हो जाएगी। तो उसके लिए खाने की एक दिन पहले की मैं प्रिपरेशंस करके रखूँगी आज। और मैंने लॉन्ड्री की थी तो फ़िलहाल मेरे पास कपड़े आयरन करने का टाइम नहीं था, तो मैंने उनको वैसे ही हैंगर्स में हैंग करके मैंने अपनी वार्डरोब में रख दिया अपने क्लोज़ेट में। और यहाँ पर मेरी मिस नूई बैठी हुई हैं, अपनी क्लीनिंग कर रही हैं। अच्छा, नूर भी ना अपनी बर्थडे की तैयारियों को ना, अपनी प्रिपरेशंस को बड़ा इंजॉय कर रही है। मौजा बहुत प्यारी हो, मौजा चलो मम्मा के पास चले। आपने मिल्क नहीं पिया ना सुबह से मौजा ने? आओ मौजा, मौजा मौजा मेरे पास रहना चाहती है ना? मौजा नहीं, मौजा मेरे पास रहेगी, मौजा को मैं लेके जा रहा हूँ। मौजा मम्मा के पास जा रही है, मौजा मम्मा के पास चले। ये ना माशाल्लाह इतनी चलाक है, मैंने कैमरा ऑन किया है, मैं और फुजैल इतनी देर से बातें कर रही हैं। जब फुजैल बोलते हैं तो फुजैल के मुंह पर देखती है, और जब मैं बोलने लगती हूँ तो मेरे मुंह पर देखती है, जैसे इसको पता नहीं कितनी हमारी बातें समझ आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फुजैल कितनी तेज है माशाल्लाह। ये मौजा अब आप मेरे से बातें करो, चलो मौजा चले, मौजा को लेके चलते हैं। नहीं, मौजा को घर ही छोड़ देते। मौजा को लेके चलते हैं। मौजा ना बाहर जाके खाना भी खाएगी, मौजा भी खाना खा सकती है कि नहीं? मौजा तो सिर्फ दूध पी सकती है। अब मौजा को कोई शरारत सोच रही है। अब उसका मोबाइल ना सर, अब मेरी तरफ देख रही है, जब तुम बोलोगी तो थोड़ा तुम बोलो जरा। अब फुजैल बोल रहे हैं, फुजैल को देख रही है, अब मुझे देखने लग गए जैसे मैं बोल रही हूँ। माशाल्लाह इतने तेज कान है। मौजा मम्मा के पास चले, मौजा को लेके आओ मम्मा के पास चल। अभी ये ना आज सनी सुबह से नहीं आया, रात का खाना खा कर गया हुआ था और सुबह से आया ही नहीं। अभी मैं और फुजैल जा रहे थे बाहर, तो मैं अपना ATM कार्ड अंदर ही भूल गई गलती से। तो जैसे ही मैंने फुजैल को, अभी हम निकले ही थे तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा फुजैल मैं कार्ड घर भूल गई हूँ, तो हम जाते हैं और घर से ना कार्ड उठा लाते हैं। जैसे ही हम घर आए तो सनी हमारे घर के बाहर फिर रहा था, तो अल्लाह ताला ने देखे ना, ये अब इस टाइम आ रहा है, सुबह से नहीं आया और अब इस टाइम 5 बजने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको इसीलिए भेजा हमें, मतलब मेरा कार्ड इसलिए मैं भूल गई, ताकि हम घर वापस आए और इसको खाना खिलाएं। सनी इधर आओ, आ जाओ सनी, सनी सनी सनी। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे गोरमे पे, और मैंने केक का ऑर्डर गोरमे पे दिया था। बॉन वी वॉन्ट का केक बनवाया है हम लोगों ने। मैं ना एक दिन पहले आई थी, इनसे मैं बात करके चली गई थी, और आज हम लोग फाइनली बुकिंग करवाने आए हैं। और ये वाला केक हम लोग नूर के लिए बनवा रहे हैं,
तो अभी मैं बस अपना ऑर्डर करवाऊंगी डन, और कल हमें फिर कल होगी नूर की बर्थडे, फाइनल डे होगा, तो हमें फाइनल डे वाले दिन जो है ये केक हमें मिल जाएगा। 12 आवर्स का इनका प्रोसेस होता है, 12 आवर्स में आपको केक जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो हम लोग जाएंगे और गोरमे से ही जाके केक को हम कलेक्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे कार्ड से ही पेमेंट कर रही थी, तो हमारा केक का काम भी फाइनल हो गया। और उसके बाद मुझे जाना था बाज़ार, तो मैं बाज़ार आ गई। यहाँ पे एक समोसे वाली बहुत पुरानी शॉप है, और जब भी हम बाज़ार आते हैं ना, फ़ुज़ैल की वीकनेस है, यहाँ के समोसे फ़ुज़ैल लाजमी इधर से खाते हैं। एक मुझे भी लेके दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक बाइट ली और मेरा दिल घबराने लग गया, तो मैंने वो अपना भी फ़ुज़ैल को दे दिया। अच्छा, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं नूर के लिए पिंस लेने आई थी, प्यारी सी छोटी छोटी सी, मैं चाहती थी कि उसको फ़्रॉक के साथ लगाऊँ, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा छोटा साइज़ चाहिए था, लेकिन इतना छोटा नहीं मिल रहा था मुझे, तो फिर खैर मुझे दो मिली हैं, बड़ी प्यारी सी ये आप देखें डॉल्स बनी हुई हैं, तो मैंने ये ले ली। मैंने कहा देखूंगी, अगर लग गई तो लगा लूँगी उसके सर पे, वरना रहने दूंगी, तो मैंने ये पिंस बाय कर ली। ये देखें कितनी प्यारी पिंस लाई हूँ मैं नूर के लिए, मैज़ा को पहना कर देखती हूँ इसको और लगती हैं कि नहीं। मैज़ा इधर आओ, आपको ये पिंक वाली पहनाएं, इधर आओ। ओ कहाँ भाग रही हूँ मैज़ा, ओ ये तो मैज़ा के सर पे भी लग गई, ये देखो जी मैज़ा के सर पे पिन कितनी पारी लग रही है। मैज़ा आगे करके लगाओ, आपको नजर आनी चाहिए, दूसरी भी लगा मैज़ा, इधर आओ। माशाल्लाह मिनी, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, मिनी की पिन देखें भाई, डांसिंग गर्ल है मिनी के सर पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिनी का जख्म दिखाओ, ठीक हो गया, स्वेलिंग भी बहुत कम हो गई है। अच्छा, तो ये जो हमने कल बलून्स लगाए थे ना, तो इसके लिए आज मैंने डबल टेप भी लानी है, क्योंकि इस वाली टेप से ना ये ज़रा उतर रहे थे और बच्चे मेरे सारे यहाँ फिर रहे हैं। और बाकी और जो बलून्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने वो आई थिंक जो हीलियम गैस होती है ना जिससे बलून्स उड़ते हैं, तो वो मैं सोच रही थी फिल करवाऊँ, तो वो अब जाऊँगी तो फिर वो भी करवा लाऊँगी। और बाकी की और डेकोरेशन तो आज नहीं की, तो आज मील प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चिकन वगैरह भी चाहिए था। और हम लोग खाने में क्या बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मैंने बड़ा कन्वीनियंट सा मेन्यू रखा है, और ऐसा रखा है जिसका मैं हाफ़ काम एक दिन पहले कर लूँ। तो मैं कल बनाऊँगी बर्थडे वाले दिन चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा। अच्छा, मेरी जो बिरयानी होगी वो भी बहुत क्विक बिरयानी होगी, और चिकन कोरमा भी बड़ा क्विक होगा, और साथ में मैं बनाऊँगी अचारी हांडी, और उसके साथ मैंने बनाने हैं दही वाले बैंगन। मैंने कल बैंगन परचेज़ करी थी तो मैंने आपको बताया था, और दही वाले बैंगन इतने कोई मज़े के बनते हैं ना, तो वो मैं बनाऊंगी। अब एक दिन पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, और साथ का चूमर सैलड बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 kg जो है मैंने ले लिया बोनलेस चिकन, और इसके मैं क्यूब्स बना के रख रही हूँ। ये मैंने बोनलेस चिकन जो है इसकी मैं बनाऊँगी अचारी हांडी, बहुत मज़े की बटर वाली बनाएंगे, और बड़ी क्विक सी और बहुत सिंपल रेसिपी होगी, रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी हांडी होगी। तो मैं सारी रेसिपीज इंशाल्लाह डिटेल में दूंगी, और फ़ुज़ैल मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे चिकन वॉश करके दे रहे हैं सारा, और इधर हमारी चाय बन रही है और रात का खाना बन रहा है, तो साथ साथ काम चल रहे हैं। और फ़ुज़ैल मुझे ना, मैं कटिंग कर रही थी चिकन की, तो मुझे वॉश कर करके दिए जा रहे थे वो, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और मैंने किचन भी साथ साथ क्लीन करी थी, बर्तन धो के रखे थे। अच्छा, जब दावत हो ना तो एक बर्तन भी गंदा ना रहने दें, साथ साथ धोएं। चाय बन गई है, मैंने अपनी चाय में थोड़ी सी कॉफ़ी भी डाली है, और हम लोग एज़ यूजुअल हम लोग स्टीविया वाली चाय पीते हैं, तो चाय पियेंगे और उसके बाद फिर बाकी का काम स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि रात के खाने में हम लोग बना रहे हैं, बस मैं भुना हुआ गोश्त बना रही हूँ, तो उसके अंदर मैं बस मसाले डाल के तो उसको भून लूँगी, बड़ी सिंपल सी रेसिपी के साथ मैंने ये बना लिया था। और इधर मेरे पास 2 kg चिकन है चिकन कोरमा के लिए, और 1 kg की मैं बनाऊँगी बिरयानी। सो कोरमे में मैंने ना जो सारे इन्ग्रीडियंट्स एक साथ डाल के रख लूँगी। अब रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे दूसरे चैनल पे रिदा फ़ुज़ैल व्लॉग्स पे, तो वहाँ पे मैं सारी रेसिपीज़ अपलोड करूँगी।
अच्छा, मैंने कोरमा जो है ना, कोरमा होता है ना जैसे कि पहले प्याज फ्राई करो, फिर वो निकालो, फिर चिकन फ्राई करो, मैं उस तरह का टिपिकल कोरमा नहीं बना रही। मैं इतना क्विक कोरमा बनाने लगी हूँ कि मैं हर चीज़ डाल कर रख दूँगी। चिकन को मैरिनेट एक दिन पहले करके रखूँगी, उससे क्या होगा, चिकन में बहुत अच्छे फ्लेवर्स चले जाएंगे। और कल फ़ौरन ही मैं बस ऑयल गर्म करूँगी और ऑयल में सारा चिकन डाल के उसको डन कर दूँगी, और एंड में अगर कुछ डालना होगा तो वो डाल दूँगी। तो अच्छा, मेरा बाउल जो है वो छोटा हो गया था, चिकन बहुत ज़्यादा था, तो मैं उसको परात में डाल के बस मिक्स करके रख रही हूँ। तो ये मैंने अपने कोरमे के लिए चिकन की मैरिनेशन कर दी है। रेसिपी आपको मैं बता दूंगी, इस तरह से बहुत मज़े का और बहुत क्विक हो जाता है। अब कल के दिन मेरा कोई काम नहीं होगा, बस मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करना है और मैंने डाल के उसको पकने रख देना है। अब मैंने यहाँ पे बिरयानी का जो चिकन है उसके साथ भी मैं सेम वही काम करूँगी, तो बिरयानी के लिए भी मैं सब कुछ डाल दूँगी अंदर, जो जिस तरह से मैं बिरयानी बनाती हूँ चिकन में हर चीज़ डालकर उसको मैरिनेट करके तो मैं रख दूँगी। और नेक्स्ट डे फिर बस चावल बॉईल करने होंगे और ऑयल गर्म करके उसमें ये चिकन डाल के इसको पका लेंगे और बस राइस बॉईल करके तो फिर बिरयानी की लेयरिंग कर लेंगे। तो ये मेरे दो काम बहुत आसानी से हो गए। और जो रही बात अचारी हांडी की, तो उसके लिए मैंने चिकन को कट करके रख लिया है, वो भी बहुत जल्दी बन जाती है। और दही वाले बैंगन मैं फ्रेश बनाऊंगी और सैलड भी फ्रेश बनाऊंगी। तो ये मेरी सारी एक दिन पहले की प्रिपरेशन है। और साथ साथ मैं किचन में काम करी थी, तो मेरे छोटे छोटे से बच्चे मेरे पास फिर रहे थे, माशाल्लाह अब खेलने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के आप जब काम कर लेते हैं ना पहले, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है। अब कल के दिन मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहूँगी क्योंकि मेरा कोई इतना ज़्यादा काम होगा नहीं, बस मैंने मार्केट जाना होगा, मैंने गोरमे पे जाऊँगी, केक कलेक्ट करूँगी। तो कल की वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कल फाइनल नूर की बर्थडे का दिन होगा, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। और कल हम लोग आएंगे 6 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान में, किसी भी टाइम हम लोग लाइव आएंगे, तो आप लोग लाजमी ऑनलाइन हो जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लाइव आई थी तो बहुत सारे लोग ऑफलाइन थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले बता दूं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि लाइव भी आपको थोड़ी सी मैं नूर की बर्थडे जो है वो दिखा दूँ। ठीक है, सो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, मिलूँगी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।